और शेड्यूल का जिक्र करेंगे जहां पर एक पीटीएस का जवान नशे में धुत पाया गया। आपको पता है आज सीएम का कार्यक्रम भी शेड्यूल में था और संदिग्ध हालत में इस दौरान सुरक्षा जवान का मिलना कई बड़े सवाल। नशे की हालत में अस्त व्यस्त वर्दी जैसी पहने से देखा गया तो उस पर शक गया। लड़कियों से बदतमीजी भी करा था ये व्यक्ति। मामला उजागर होने पर निलंबन के आदेश जारी। तुम सीएम ड्यूटी में हो, कौन है यहाँ ड्यूटी में हो, ड्रिंक किए हो यहाँ तुम? इंचार्ज अधिकारी कौन है? टीआई साहब जो इसका, अरे स्टाल में है बार बार क्यों निकल, मेन गेट वाले से। तुम सीएम ड्यूटी में हो रहा। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मंडला के दौरे पर रही जहां उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की, स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल जानने पहुंची थी और इसी दौरान मरीजों ने डायलिसिस मशीन की मांग रखी। डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जाहिर करती नजर आई। कैबिनेट मंत्री कलेक्टर को भी सीधे आदेश दिए हैं कि शहर का सौंदर्यीकरण इस पर भी ध्यान दें। मां नर्मदा के घाटों को संवारने की भी बात उनकी तरफ से और डॉक्टर्स की कमी, अस्पताल प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। और राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो जुटी हुई है, इसी सिलसिले में एक बैठक भी हुई थी। राजीव सिंह ने बताया कि विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, उनको संगठनात्मक दायित्वों की भी जानकारी दी गई। प्रभारी हमारे बनाए गए हैं, उनको जो भी संगठनात्मक दायित्व है उस पर्टिकुलर विधानसभा का, तो वो लोग उस काम को देखेंगे। अभी मतदाता सूची में काम चल रहा है कि कुछ नाम जुड़ना है, कुछ गलत लोगों के नाम आ गए हैं उनको कटवाना है, तो ये सारा दायित्व उनका है। हमारे जो विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा चुनाव के संबंध में हम लोगों की हर जिले, हर विधानसभा स्तर पर एक एक सम्मेलन होना है, जो कि 18 तारीख के से 24 तारीख के पहले उस सम्मेलन का आयोजन हर विधानसभा में होना है। और अपने अजब गजब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले शोपर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का जिक्र करें कि कुछ किसानों के साथ हाथ में डंडा लिए निराश्रित गौवंश को हांकते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये कदम निराश्रित गौवंश की वजह से हो रहे सड़क हादसों और जिले की बंद पड़ी गौशालाओं के विरोध में उठाया। चेतावनी दी कि बंद पड़ी गौशालाओं को प्रशासन जल्द शुरू करे, नहीं तो आने वाले दिनों में गौवंश को कलेक्ट्रेट के अंदर घुसा दिया जाएगा। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे, इस बात की भी चेतावनी दी। छत्तीस देवी देवता का गौ माता में वास होता है। भगवान कृष्ण भी गौ माता को मानते हैं और आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने हजारों की संख्या में जो गौशाला बनवाई, वे गौशालाओं पे करोड़ों रुपया का सरकार का खर्चा हुआ, वो गौशाला बंद है। आज किसान रात भर खेतों में जगते रहते हैं, गौ फसलों को चौपट कर रही है। कई मेरे एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल बाइकों से मेरे नौजवान युवा साथी मौत के घाट उतर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सीहोर का जिक्र करेंगे। कोपरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक व्यक्ति का नहीं है, संपूर्ण देशवासियों का कार्यक्रम है। इसमें जिनको भी बुलाया जा रहा है उनको जरूर जाना चाहिए। राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण उन्हें भी दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या में वो पहुंचेंगे। 51,000 दीपकों की रोशनी में अयोध्या जगमगाएगा। सीहोर में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है। उन्होंने देश और प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए आगामी 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने की अपील की। पंडित प्रदीप मिश्रा जिनकी तरफ से ये सब कहा गया, साथ ही साथ ये तस्वीरें कुबेरेश्वर धाम की, जिसमें सीधी अपील उनकी तरफ से हुई है कि 51,000 दीपकों से इस धाम को रोशन करना है, तमाम लोगों की मौजूदगी चाहते हैं। कृपा है जो हमारे इस पवित्र भारत की भूमि पर अवध की नगरी में, जिस अयोध्या में भगवान राम जी का जन्मोत्सव हुआ है, उसी अवध में जैसे पूर्व में 14 वर्ष का वनवास झेलकर
भगवान राम वापिस अवध को आए थे, ऐसे 500 वर्ष का वनवास झेल कर समझा जाए कि भगवान राम वापिस पुनः अवध की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। और ये तो पूरे सनातनियों का गौरव है, सभी हिंदू भाई बहनों के लिए गौरव का विषय है जो इतने वर्षों के बाद वापिस राम अवध की पवित्र भूमि पर राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी अवध से अयोध्या से आमंत्रण प्राप्त हुआ है, निमंत्रण आया है और बाबा की कृपा से हम भी उस पवित्र प्रतिष्ठा का दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है, किस्मत वाले हैं जो बाबा ने वहां बुलाया है, राघव जी ने दर्शन करने कराने के लिए, हम जरूर पहुंचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहेगा न्यूज 18 के साथ क्योंकि ठीक 6 बजे कांग्रेस के आरोपों, बीजेपी के आरोपों को लेकर छत्तीसगढ़ के लिहाज से खासतौर पर बात होनी है। बने रहेगा न्यूज 18 के साथ।